नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज हम आप लोगों को बहुत ही प्रसिद्ध लेखक श्री राम कुमार वर्मा द्वारा लिखित एकांकी औरंगजेब की आखिरी रात के बारे में बताएंगे। हमारे इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आगे और भी जो वीडियो हम अपलोड करेंगे उसके नोटिफिकेशन आप तक मिल सकें। तो अब हम डिस्कस करेंगे औरंगजेब की आखिरी रात की एकांकी का सार संक्षेप में। औरंगजेब मुगल इतिहास का आखिरी हीरा है जो अपने जीवन भर अपने बुरे कर्मों से ही चमकता रहा और जब मरा तो सारी जिंदगी का क्लेश और निराशा, विकलता और व्यथा को लेकर गया। जिंदगी के पूरे 27 साल अपने दक्खन में बिताए और अंतिम सांस भी वहीं पर ली। दक्षिण सर कट करने की, शिवाजी और मराठों को नेस्तनाबूद करने की, इस्लाम का झंडा पूरे हिंदुस्तान पर फहराने की वासना पूरी किए बिना ही वह चल बसा। वह कौन है? यहाँ पे औरंगजेब। प्रस्तुत एकांकी में उसकी इसी विकलता का चित्रण किया गया है। वह इतना कट्टर धार्मिक था कि उसने बीजापुर, गोलकुंडा जैसी मुस्लिम रियासतों को भी जीत लिया, परंतु वह मराठों को नाम शेष करने में सफल न हुआ। एक ओर राज्य में दुर्व्यवस्था फैल गई है तो दूसरी ओर वह वृद्ध हो गया है। पहले जैसी ताकत अब उसके शरीर में नहीं रही। आलमगीर बनने का उसका विजय स्वप्न अब निराशा में तिरोहित हो चला है। उसकी चिताएं उसे एक पल के लिए भी चैन नहीं लेने देती और अंत में हताश होकर वह अहमदनगर लौट आया है। अशक्त इतना हो गया है कि दिल्ली भी जा सकने में समर्थ नहीं है। मजबूर होकर वह अहमदनगर के किले में बीमार पड़ा हुआ है। शरीर उसका टूट चुका है, ज्वर और खांसी से वह ग्रस्त हो गया है। अवस्था उसकी 89 वर्ष की हो गई है। उसके पास एकमात्र उसकी बेटी जीनत उन्निशा बैठी हुई है। भय और आशंका से आक्रांत जीनत का चेहरा उदास हो गया है। औरंगजेब की खांसी एक पल भर के लिए भी नहीं रुकती। वह बड़ा परेशान है। वह अपनी बेटी जीनत से कहता है, यह खांसी की आवाज़ नहीं है बेटी, यह मौत की आवाज़ है, सल्तनत के उखड़ने की आवाज़ है, उसे कोई नहीं रोक सकता। जीनत उसे ढाढ़स देती हुई। उसके दर्द को कम करने का प्रयत्न करती है पर वह नाकामयाब रहती है। औरंगजेब को एक एक करके अपने जीवन की वे सारी घटनाएं याद आती हैं जिसे करते वक्त उसने एक लम्हे के लिए भी नहीं सोचा था। वे ही घटनाएं आज उसका दुदेव बन रही है। कैसे उसने संभाजी का वध किया था, मराठों की हिम्मत प्रस्त करने के लिए उसने क्या क्या किया था, इस्लाम का नाम दुनिया में बुलंद करने के लिए उसने कितनी कार्रवाई की थी, सब उसे याद आ रहा है। वह सारी जिंदगी अपने दिल को तसल्ली देता रहा कि यह सब उसने इस्लाम के वास्ते मजहब के नाम पर किया है। लेकिन आज उसकी अंतिम क्षणों में कोई आकर उससे कहता है कि तूने इस्लाम को धोखा दिया है, इस्लाम का नाम लेकर दुनिया को धोखा दिया है। और औरंगजेब को पीड़ा का, दर्द का सबसे बड़ा कारण यही है। उसे याद आता है सिखों का शौर्य और निछावरी आजार, शाहजहाँ को नसबंद करना, दारा सूजा और मुराद के हक छीन लेना, यह सब उसने सल्तनत बचाने के लिए किया, इस्लाम के नाम पर किया, पर आज सब उसे अखर रहा है। ताजमहल पर आंखें सटाए निराशा और व्यस्था से मरते शाहजहाँ को वह नहीं भूल सकता। उसी ने शाहजहाँ के महल को कैद में तब्दील कराया था। तब शाहजहाँ ने कहा था, क्या आलमगीर ताज को तो कैद नहीं करेगा ना, काश मैं अपने आंसू से ताज बनवा पाता। शाहजहाँ मोहम्मद से सुने ये शब्द आलमगीर यहाँ औरंगजेब हैं, आलमगीर को आज गहरी पीड़ा दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि अपने वालिद का विश्वास वह कभी प्राप्त नहीं कर सका है। अपने अब्बा जान की चीखें आज उसके कानों में सुनाई दे रही है और वह अपने को वश में नहीं रख पाता है। आजार अवस्था में वह होश भूल जाता है,
तब उसे अपने सामने घुटने टेक कर गिड़गिड़ाते शाहजहाँ शाहजहाँ दिखाई देते, जो कह रहे हैं, आलमगीर हमें अपना बेटा औरंगजेब वापस कर लो। बादशाही लिबास पहनकर हमारा बेटा बदल गया है। अपने पिता को मृत्यु पर्यंत कैद रखने का पश्चाताप आज उसे बुरी तरह पीड़ा दे रहा है। उसे बचपन के दिन याद आते हैं। दारा का बचपन का शोर सुनते ही वह कान बंद कर लेता है। फिर उसे धड़ से अलग किया दारा का लहूलुहान मस्तक दिखाई देता है। अपने भाई के खून में रंगे हाथों को वह मस्तक पर रखकर अपने किए हुए गुनाह से बचने का व्यर्थ प्रयत्न कर रहा है। वह हकीम से ऐसी दवा चाहता है जो बेहोशी में गर्क कर दे और बर्दाश्त न होने वाले इन दृश्यों से छुटकारा पाए। पर जिंदगी की इन आखिरी क्षणों में भी उसका शक्की स्वभाव नहीं जाता। वह जहर मिलाने के शक के कारण हकीम की दवा नहीं पीता। आज उसे पछतावा हो रहा है कि जीवन भर अविश्वास के कारण उसने किसी को भी अपना नहीं बनाया। खुद अपने शाहजहाँ को भी तख्त हथिया लेने के डर से कैद कर रखा है। पर आज मृत्यु शस्या पर अपने बेटों की बेहद याद सता रही है। वह कहता है, मेरा एक भी बेटा आज मेरे पास नहीं है। उनका अपराध यही है कि औरंगजेब के बेटे हैं। जब मैं जन्मा था तब हजारों लोग हम मेरे इर्द गिर्द थे, पर आज मेरे आखिरी क्षणों में कोई मेरे पास नहीं है। और उसे अपने अन्याय याद आते हैं। भाई मुराद बख्श ने राजा राज सिंह के भयंकर वार से उसे बचाया, पर बदले में मुराद को मौत मिली। जजिया माफ़ करने की मांग करने आए हजारों हिंदुओं पर हाथी चलाया। आज वही हाथी उसके कलेजे को चूर चूर कर रहा है। जीनत उसे दवा पीने की अर्ज करती है। वह कहता है, दवा नहीं दुआ करो, मेरे लिए दुआ से बढ़कर कोई दवा नहीं है। वह अपने अंतकाल को पहचान गया है। कातिब को बुलाकर वह अपने बेटे को खत लिखवाता है। उसमें वह अपने जीवन भर के कुकर्मों का पछतावा बयान करता है और बेटे को सीधे राह चलने की हिदायत दे तथा नसीहत देता है। अंत में वह अपनी बेटी जीनत से कहता है कि उसकी देह को बिना कफन या ताबूत यूं ही ज़मीन में दफन कर दिया जाए। ज़मीन पर बनी मिट्टी की कब्र पर जब हरियाली छा जाएगी तो उसे खुशी प्राप्त होगी। अपने अपराधों की क्षमा चाहता हुआ आलमगीर दारा सुजा मुराद के नाम लेते हुए अजान के अल्लाह ओ अक शब्द दोहराते हुए ही अव्वल मंजिल फरमा जाता है। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो धन्यवाद।